ये भौतिक दुनिया में चंद्र और सूर्य निकाल देंगे, तो ये पूरा दुनिया अंधकार में ही है, रोशनी है ही नहीं पूरे दुनिया में। इसलिए वैदिक मार्ग है कि हमको ये अंधकार से निकल के रोशनी की ओर जाना है, तो उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है। वेद हमेशा हमको ये बोलते हैं, ये अंधकार का जिंदगी छोड़ो और रोशनी का जिंदगी पे आओ। रोशनी का जिंदगी मतलब भगवान की भक्ति और भगवत धाम। तो ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जब लोग अपने वर्ण का पालन करते हैं और आश्रम का पालन करते हैं, ये भगवान ने बनाया है ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिले और धीरे धीरे अपना भौतिक कार्य करते हुए आध्यात्मिक ओर बढ़ सके। हमारे वैदिक ग्रंथों में आध्यात्मिक ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है। कैसे अच्छे से जिएंगे तो भौतिक तरह से भी खुश रहेंगे और हम अगले जीवन में भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये वर्णाश्रम मार्ग है, अपने भौतिक धर्म का पालन करो, भौतिक रूप से भी खुश रहो, कुशल मंगलता से रहो और आगे जाके भगवत धाम जाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ये दुनिया में भी सुख सुविधा और भगवान के धाम जाने के लिए सुख सुविधा, वो तरीका है। तो वैदिक ग्रंथ मतलब सबको बोलता है सभ्य बनो, मनुष्य बनो। जब तक व्यक्ति मनुष्य नहीं बनेगा, शरीर से नहीं वृत्ति से भी चेतना से, तब तक व्यक्ति पशु के भांति ही रहेगा। तो वैदिक मार्ग बोलता है नहीं, हमको पशु योनि से उठ के मनुष्य के जैसा चिंतन करना चाहिए। और मनुष्य का लक्ष्य क्या है कि ये शरीर, मानव शरीर जो है उसका उपयोग करके भगवत धाम की प्राप्ति करना। ये मनुष्य जिंदगी किस लिए दिया है? तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्रिय भोग तो बाकी योनि में भी उपलब्ध है, पशुओं की योनि में भी उपलब्ध है, पर मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? तपस्या करने के लिए। और तपस्या क्यों? ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम। तो थोड़ा तपस्या करने से हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, पर अनंत सुख मिलेगा।